गंगा की अविरल धारा में मानो पूर्ण भारत की संस्कृति प्रवाहित होती है, और जब गंगा नदी काशी के तट को छूकर निकलती है तो इससे बेहतर भारत का परिचय हो ही नहीं सकता। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शिंजो आबे को हिंदुस्तान दिखाने की ठानी, काशी दिखाने की ठानी, तो गंगा आरती को चुना। गंगा आरती के जरिए वो भारत का, यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के आओ भगत का नजारा शिंजो आबे को कराना चाहते हैं। एक ऐसा पावन पल होता है जब हर धर्म, हर समुदाय के लोग मुक्त होकर एक सूत्र में बंध जाते हैं। आरती गंगा की होती है, शुद्धि आत्मा की होती है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे इसी पल का गवाह बने जब अपने भारत दौरे के लगभग 4 घंटे वो शिव की काशी में बिताए। मोदी जानते हैं कि किसी भी विदेशी मेहमान को हिंदुस्तान की जो तस्वीर वो दिखाएंगे उसकी चर्चा दुनिया भर में होगी। वो पहले भी कई दफा वाराणसी को कूटनीति के नक्शे पर लाना चाहते थे। शिंजो आबे के साथ उनकी ये कोशिश साकार हो गई है। 36 घंटे में वो 6 घंटा बनारस शहर में बिताएंगे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये क्या घोषणा होगी क्या, लेकिन जहाँ तक जापान सरकार और भारत सरकार की बात है, दोनों सरकारें का MOU के तरी गंभीर हैं और उस दिशा में हम उठा रहे हैं। काशी के घाट पर होने वाली आरती दुनिया भर में मशहूर है। 1997 में दशाश्वमेध घाट पर संगीतमय आरती की शुरुआत हुई थी। बनारस में रोजाना विधि विधान से भव्य आरती का आयोजन होता है। मंत्रोच्चार, शंख, घंटियों की आवाज के बीच आरती का नजारा बेहद अद्भुत होता है। इसे देखने के लिए हर दिन देसी विदेशी लोगों की भीड़ लगी रहती है। प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे दोनों ही गंगा आरती के साक्षी बने। परंपरा से परे कूटनीति को दिल्ली से बाहर लेकर जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे, कभी अहमदाबाद, कभी बेंगलुरु, और अब तो वो कूटनीति को गंगा घाट तक लेकर आए हैं। वाराणसी में इन दिनों अपने इस नए मेहमान के लिए बेपनाह उत्साह देखने को मिल रहा है। 80 घाट पर भारत जापान की दोस्ती को मजबूत करने और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए भारत जापान मैत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। जापान के प्रधानमंत्री जी और मोदी जी काशी आ रहे हैं, यह वार्ता सफल हो इसके लिए हम लोगों ने यज्ञ के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना की कि यह वार्ता सफल हो। गंगा किनारे यज्ञ की अग्नि में काशीवासियों ने जापानी नागरिकों के साथ संकल्प किया कि मोक्षदायिनी माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ इस यात्रा को सकुशल सम्पन्न करें। ये जापान और इंडिया का जो रिलेशनशिप उसको मजबूत करने के लिए यहाँ पे महायज्ञ किया गया था। जैसे काशी क्योटो का जो रिलेशनशिप अभी शायद 1 साल से चल रहा है, तो पहले से थोड़ा सा धीरे धीरे है, बहुत तेजी से नहीं है, पर फिर भी विकास मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जैसे मोदी हो गया, 15 मिनट हो गया, होने के बाद धीरे धीरे गंगा जी का साफ हो रहा है। ये तो दोनों आशियन है, वो जो वो धर्म का चीज, ये मुझे कुछ सिमिलरिटी देखते हैं। गंगा जीवन दायिनी है और इसीलिए हिंदुस्तान में सब गंगा को माँ के रूप में देखते हैं। ये तो हुई भारतीय सभ्यता की बात, यानी कि किस तरीके से हिंदुस्तान को पेश किया जाएगा शिंजो आबे के सामने, लेकिन इसके अलावा किस तरह के गिफ्ट्स दिए जाएंगे जो दिल से भी जुड़े हैं, सभ्यता से भी जुड़े हैं और संस्कृति की भी एक झलक दिखाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की एक बड़ी खासियत, जब वो
विदेशों के राष्ट्राध्यक्षों से बतौर प्रधानमंत्री मुलाकात करते हैं तो अगर उनके उठाए कदमों में कुशल राजनेता की कूटनीति नजर आती है तो एक दोस्त का अंदाज भी होता है। वैसे तो तमाम राष्ट्राध्यक्ष जब मुलाकात करते हैं तो एक दूसरे को तोहफे देते हैं, लेकिन मोदी के तोहफों में अपनेपन की झलक होती है। मोदी जब जापान गए थे तो शिंजो आबे को श्रीमद् भगवद गीता और स्वामी विवेकानंद की जीवनी भेंट की थी। अब जब आबे वाराणसी आ रहे हैं तो उनकी शान में कुछ ऐसे तोहफे दिए जाने की तैयारी है जो वाराणसी की शान और पहचान है। बनारस के बुनकर समाज को प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी उम्मीदें हैं। हुनर है, कद्रदान भी है, लेकिन कमजोर पड़ती इस कला को एक सहारे की जरूरत है जो एक उपहार देने के बदले मानो उपहार स्वरूप उन्हें मिलने वाला है। ऐसा ये बनाने में कितना टाइम लग जाता है आपको? एक हमको बनाने में, इसमें जब सुने कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो ये डिजाइन बनाने में हमको 15 दिन समय लगा। आपको बताया गया था कि बनाना क्या है? बनाना ये है हमको कि मैंने 7 अगस्त को मैंने प्रधानमंत्री को चेन्नई में हमारे हाथ का बिना हुआ दुपट्टा कबीरदास जी का दोहा वहाँ पर चला गया। मैं नहीं गया था लेकिन हमारा दुपट्टा वहाँ पर पहुँच गया। अच्छा, उसमें क्या गांधी जी की तस्वीर? नहीं नहीं, उसमें कबीरदास जी का दोहा लिखा हुआ था। अच्छा। उसके बाद मैंने बनारस में जब आए थे प्रधानमंत्री अगले वक्त 18 तारीख को नवंबर को, तो मैंने उनको भी एक गिफ्ट में दुपट्टा दिया था जो पीला रंग का था, लाल लिखाई था। उसके बाद मैंने फिर सोचा कि 12 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तब से मैंने जोरा शोर से लपट गया कि उनके लिए कुछ नया चीज़ बनाऊँ। तो ये गांधी जी का मैंने चरखा चलाते हुए उनका दृश्य बना दिया, उसमें जो लिखा हुआ यह है गांधी जी का विश्व जन तेने कही पीछ पर आए जाए उनका। हाँ। मैंने दोहा विभिन्न के दिया। अच्छा, ये तो बड़ा कठिन होता है। हाँ, एकदम एक एक अक्षर ऐसे निकाल कर मैंने एक एक अक्षर विभिन्न कर दिया कि ये गुजराती भाषा में। हाँ। हिंदी में वर्णन किया गया है। हाँ। उन्हीं का लिखाई हुआ है गांधी जी का। ये इसलिए लिखा कि ये हमारा जाएगा तो ये गांधी जी का उपदेश अमन शांति के लिए भारत में और आ रहे हैं उनके साथ जापान के शिंजो आबे। हाँ। प्रधानमंत्री उनके लिए दे जाएगा तो अमन चैन मिलेगा देश विदेश में, हर जगह इनका शांति का रूप है। घर लोग की समस्याएं तो बहुत दिन से बहुत सारी थी। बनारस में तो बुनकरों को बहुत हालत खराब है। मैंने सोचा कि देने में हमारा देश विदेश तक माल जाएगा, बनारस की खुशहाल होगा, बनारस की तरक्की होगा, बुनकरों की खुशहाली मिलेगी। गंगा घाट से तो खैर शिंजो आबे भारत की संस्कृति का आईना देख सकते हैं, यहाँ का नजारा कर सकते हैं, लेकिन किस उपहार के जरिए वो हिंदुस्तान को हमेशा याद रखेंगे। दरअसल कहा जाता है कि उपहार दो तरह के होते हैं, एक वो जो सामने वाले को ध्यान में रखकर दिया जाता है और दूसरा जो खुद के मन के हिसाब से दिया जाता है। एक बहुत खास उपहार इंतजार कर रहा है शिंजो आबे का, लेकिन उसके जरिए भी एक बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने खास उपहारों के लिए जाने जाते हैं कि बहुत चुन चुन कर वो दूसरे देशों के जो मुखिया होते हैं उनको देते हैं। तो शिंजो आबे के लिए अब वाराणसी जब आ रहे हैं तो यहाँ पर तो कलाकृतियां ही कलाकृतियां हैं, तो हम समझें कि क्या क्या चीजें मिल रही हैं उन्हें। बनारस हिंदुस्तान का एक ऐसा शहर है जहाँ पे कि लगभग 18 हैंडीक्राफ्ट हैं और जिसमें 7 को देश की बौद्धिक संपदा अधिकार का दर्जा मिल चुका है। उसी में से एक बौद्धिक संपदा अधिकार की में शामिल होने की प्रक्रिया में ये स्टोन का अंडरकट वर्क है। ये एक स्टोन से है, एक स्टोन है पूरा। हाँ। और इस हाथी के अंदर भी हाथी बनी हुई है। अच्छा। आप इसको देखें कि इस हाथी में और ये एलिफेंट फैमिली है, आप किनारे किनारे देखें छोटे छोटे हाथी और बने हुए हैं वो किनारे किनारे, और इस बारीक छेद से कैसे इस बारीक छेद के अंदर से कैसे ये हैंड वर्क का ये पूरा काम है। हाँ। और कैसे वो कार्व करते हैं इसको कारीगर बैठ करके। हाँ। और कठिन परिश्रम करते हैं इसके लिए, तो ये इसी का एक बड़ा पीस। हाँ। करीब वो 10 इंच की पीस है। हाँ। और लगभग उसका वजन एक 20 किलो के आसपास में है। 20 किलो का वजन। अच्छा। है और सिंगल सॉफ्ट स्टोन का सिंगल पीस है वो। हाँ। और उसमें 3 स्टेप के हाथी है। हाँ। हाथी उसके अंदर हाथी और उसके अंदर में भी हाथी है। अच्छा। और पूरे सूंड से लेकर के पूरे पीठ और उसकी पूंछ तक। हाँ। सारे जगहों पे जो है नक्काशी का काम किया गया है। ये मोर है, इस मोर की बड़ी आकृति करीब 1 फीट में, और उसको बनाया है बलराम दास ने जो कि यहाँ पे ब्रह्मा घाट के हैं। और इसी तरह से गणेश जी को
करीब 12 इंच के गणेश जी बने हुए हैं गुलाबी मीनाकारी के। अच्छा। कुंज बिहारी सिंह ने उसको तैयार किया हुआ है और वो लाल घाट के हैं। तो ये चीज भी वहाँ पे गई हुई है। अच्छा। और हम लोग को विश्वास है कि इस पूरी प्रक्रिया से ऐसे हस्तशिल्प की वस्तुओं को सप्रेम जब प्रधानमंत्री जी भेंट करेंगे शिंजो आबे को, जो कि हम लोग के अतिथि हैं और हम लोग की एक परंपरा के अतिथि देव भव की हम बात करते हैं। हाँ। तो बनारस के ट्रेड में बढ़ोतरी की बात है। हाँ। जो लाखों बुनकर और शिल्पी इससे जुड़े हुए हैं, तो उनकी बौद्धिक संपदा को मोदी जी सामान्य उत्पाद को नहीं भेंट करेंगे। मोदी जी जब लंदन भी गए थे तो वहां की महारानी को जो उत्पाद चार चीजें दी थी, तो वो इस देश की बौद्धिक संपदा थी। जी वाकई। और इसीलिए जो चीजें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, वो बेशकीमती हो सकती है लेकिन उपहार अनमोल हो जाते हैं। कूटनीति कुटिल हो ये वाजिब नहीं, कूटनीति जटिल हो ये जरूरत नहीं, कूटनीति सरल हो, मिलनसार हो और कई दफा महानगरों की चार दीवारी से बाहर निकलकर ही ऐसी कूटनीति देखने को मिलती है। शिंजो आबे वाराणसी आएंगे तो उनके ठहरने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जापान के पीएम के साथ वाराणसी के ताज होटल स्थित नदेसर पैलेस में रुकेंगे। नदेसर पैलेस कभी काशी के राज परिवार का महल था, जिसे खास मेहमानों को ठहराने के लिए काशी महाराज इस्तेमाल करते थे। कि नदेसर कोठी काशी के लिए, काशी की जनता के लिए बहुत ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि ये महाराज बनारस की संपत्ति है और महाराज बनारस ने इस संपत्ति को काशीवासियों के लिए और काशी की जनता को टकसाल यानी कि मुद्रा उपलब्ध कराने के लिए उसका बनाया था। कभी उसका नाम टकसाल भी हुआ करता था। बाद में चलकर आधुनिक काल में ऐतिहासिक व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप, जिसने बाद में चलकर भारत का इतिहास बताया और काशी के बारे में अधिकतम जानकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा उपलब्ध कराई गई, वो भी उसमें रहता था क्योंकि वह टकसाल का एक कर्मचारी था। मशहूर तो सुबह बनारस है लेकिन काशी की शाम भी कुछ कम हसीन नहीं। सुबह और शाम के बीच की इसी खूबसूरती को समेटने न जाने कितने विदेशी सैलानी हर रोज यहां पर बिताते हैं। लेकिन लगभग 5 दशक बाद एक ऐसा विदेशी मेहमान यहां पर आ रहा है जिसके लिए काशी सदसंवर कर तैयार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी बड़ी बेसब्री से अपने इस खास मेहमान की मेहमान नवाजी को बेकरार है। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर शहर के बीच के रास्ते में पड़ने वाली सड़कें, रोड डिवाइडर्स, डस्टबिन्स को या तो बदल दिया गया है या उनको पेंट किया जा रहा है। शहर को रोशन करने के लिए शहर भर में करीब 12,000 LED बल्ब्स लगाए जाएंगे। दोनों देशों के प्रधानमंत्री सेना के बनाए हुए एक तैरते हुए स्टेज पर बैठकर गंगा आरती देखेंगे। करीब 100 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा ये स्टेज दशाश्वमेध घाट पर बनाया गया है, जिसके आसपास का 200 मीटर का इलाका नो मूवमेंट जोन होगा। इनकी सुरक्षा के लिए उस दौरान खास जल कमांडोज भी गंगा नदी पर तैनात रहेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे थे तब शिंजो आबे ने भी उनके लिए कई तरह से प्रोटोकॉल को तोड़ा था। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की एक तरह से धार्मिक पर्यटन की थी, वही उम्मीद नरेंद्र मोदी को शिंजो आबे के इस दौरे से भी है। हालांकि बताया तो यहां तक जा रहा है कि सारनाथ भी चाहते हैं मोदी कि शिंजो आबे जाएं, लेकिन देखना होगा कि उन 6 घंटों में क्या कुछ मुमकिन हो पाता है। मोदी जब जापान गए थे तो शिंजो आबे के साथ बौद्ध मंदिर गए थे। शिंजो आबे वक्त की कमी के कारण चाहकर भी सारनाथ नहीं जा पा रहे, लेकिन वाराणसी के चारों ओर बसे गांवों की कला का नमूना जब उन्हें उपहार में पेश किया जाएगा तो वो चंद पलों में पूरी संस्कृति को समेट सकते हैं, सहेज सकते हैं। ये उपहार शायद उस रिश्ते की आहट हो जो दो देशों के बीच पनप रही है। किनारे की अनुभूति, गंगा आरती का एहसास, जिस तरीके से हर भारतवासी इसका एक हिस्सा अपने दिलों में रखता है, देखना है शिंजो आबे इसका
क्या अनुभव लेकर अपने देश लौटते हैं। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।